नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक वगैरह चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेडकास्टल आरओआरएम 2019 जो भर्ती प्रोसेस में चली हुई है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित राशि प्रतीक और मान। ठीक है, यानी कि इनका उपयोग आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आपसे वादा किया कि हम आपको पूर्ण रूप से स्टडी करवाने वाले हैं, यानी कि मेटेरियल्स आपको पूर्ण रूप से देने वाले हैं फ्रेंड्स, दे भी रहे हैं, और जो भी कुछ बाकी है फ्रेंड्स वो सभी कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे इंपॉर्टेंट जो राशि प्रतीक और मान है, ये जिनका एग्जाम है फ्रेंड्स वो जरूर देखें, क्योंकि स्टडी करने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक तो बनते हैं, प्लस आज जिम से जुड़ जाए, तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्रम संख्या है, राशि है, प्रतीक है और मान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए प्रतिपूर्ति तरुण का मान कितना होता है, स्मॉल जी से निरूपित करते हैं, इसका मान होता है 9.8 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हवा का घनत्व कितना होता है, यानी कि रो से निरूपित करते हैं इसको, 1.293 किलोग्राम मीटर क्यूब इसका मान होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है, रो डब्ल्यू से निरूपित करते हैं इसका मान कितना होता है, 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पारे का घनत्व, रो एम से निरूपित करते हैं, 13.6 × 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब इसका मान होता है। फ्रेंड्स ये जो हम बता रहे हैं इनका एग्जाम में कहीं ना कहीं उपयोग होने वाला है फ्रेंड्स, और इनका यूज भी कीजिए, क्योंकि इनका जो यूज करोगे फ्रेंड्स इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इनका यूज कहीं ना कहीं आपको करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो एम ई से निरूपित करते हैं, 9.1 × 10³³ किलोग्राम इसका मान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि इसका मान होता है 1.672 × 10²² किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एम एन से निरूपित करते हैं, 1.674 × 10²² किलोग्राम इसका मान होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई से निरूपित करते हैं, और इसका मान होता है माइनस के 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसके बाद देखते हैं प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर कितना होता है, ये प्लस का हो जाएगा, जो का तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का रहेगा वही हमारा प्रोटॉन का हो जाएगा, लेकिन धनात्मक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, स्मॉल सी से निरूपित करते हैं, और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका मान होता है। एन टी पी पर हवा में ध्वनि का वेग, स्मॉल वी से निरूपित करते हैं, 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा, स्मॉल एस से निरूपित करते हैं, और उसका मान होता है 4.2 × 10³ जूल अपॉन कैलोरी केल्विन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा, स्मॉल एल से निरूपित करते हैं, एलाइस यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 336 जूल अपॉन किलोग्राम। इसके बाद देखते हैं भाप की गुप्त ऊष्मा, यानी कि भाप क्या हो जाएगा, एल स्टीम, यानी कि ये हो जाएगा 2.268 × 10⁶ जूल अपॉन किलोग्राम। इसके बाद देखते हैं सार्थक गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल जी से निरूपित करते हैं, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सार्थक गैस नियतांक, कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, मान क्या होता है इसका, 8.31 जूल मोल केल्विन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अवोगाड्रो संख्या, कैपिटल एन से निरूपित करते हैं, इसका मान होता है 6.023 × 10³³ मोल। इसके बाद देखते हैं मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज मैन नियतांक, स्मॉल के इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एन, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1.38 × 10³³ जूल अपॉन केल्विन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्टीफन नियतांक, इसका मान कितना होता है, 5.67 × 10⁻⁸ डब्ल्यू एम स्क्वायर के की 4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर वेन नियतांक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल बी से निरूपित करते हैं इसको, 2.9 × 10³³ ठीक है, इसके बाद देखते हैं सोलर नियतांक, कैपिटल एस से निरूपित करते हैं, 1340 डब्ल्यू एम की पावर माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ऊष्मा का यांत्रिक नियतांक, स्मॉल जे से निरूपित करते हैं इसको, मान क्या होता है, स्मॉल जे इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, जे इक्वल टू 4.2 जूल कैलोरी अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी अपॉन में हो जाएगा। प्लांक नियतांक, स्मॉल एस से निरूपित करते हैं, 6.67 × 10⁻¹¹ जीएस। ठीक है, यानी कि जूल और ये एस। इसके बाद देखते हैं पानी का त्रिक बिंदु, यानी कि टी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, इसका मान होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मोलर आयतन, तो फ्रेंड्स मोलर आयतन को कैपिटल वी से निरूपित करते हैं, और उसका मान हो जाएगा 22.4 × 10³³ एम क्यूब और अपॉन मोल, मोल इनवर्स भी कर सकते हैं या फिर अपॉन मोल भी कर सकते हैं। प्रति से प्लान वेग कितना होगा, यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखते हैं विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, तो फ्रेंड्स यहाँ पर निरूपित करते हैं इसको गामा एम से, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5/3। द्वि परमाणु गैस के लिए ये आपको ध्यान नहीं रखना है,
ये आप छोड़ सकते हो फ्रेंड्स, यदि आप याद करना चाहते हो तो याद कर भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रेखीय अणु फ्रेंड्स, ये भी आप याद करना चाहोगे तो कर सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं हवा का वर्तनांक, यानी कि म्यूएस कितना होता है एक, पानी का वर्तनांक म्यू डब्ल्यू कितना होगा 1.33, कांच का वर्तनांक म्यू जी यानी कि कितना हो जाएगा 1.5, रिडबर्ग नियतांक कैपिटलआर यानी कि ये मान हो जाएगा 1.09 × 10^7 अपॉन मीटर, ठीक है, या प्रति मीटर ऐसे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत त्रिज्या स्मॉल आर भी यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हवा का प्रवैधतांक यानी कि एक होता है, ठीक है, पानी का प्रवैधतांक 81 होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 यानी कि 8.85 × 10^7 यहाँ पर हो जाएगा 12 C2 NQ1 MQ2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0, ये हो जाएगा 4π × 10^7 Hm^-1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान Me 6×10^24 kg, चंद्रमा का द्रव्यमान Mn ये हो जाएगा 7×10^22 kg, इसके बाद सूर्य का द्रव्यमान Ms = कितना हो जाएगा 2×10^30 kg। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर इज कैपिटल आर ई ये हो जाएगा 6.4×10^6 m। इसके बाद देखते हैं ब्रह्मांड का द्रव्यमान यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10^53 kg, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ब्रह्मांड की त्रिज्या, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आर्यचंद्र निरूपित करते हैं 10^26 किलोमीटर, ठीक है, 10^26 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ मान राशि और उनके प्रतीक यानी कि जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल यानी कि सहायता देने वाले हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपसे वादा किया कि हम आपको पूर्ण रूप से स्टडी कराने वाले हैं और करा भी रहे हैं फ्रेंड्स, और जो भी हमें इंपॉर्टेंस लगा है वही हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। यदि इसकी PDF चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और इनका कहीं ना कहीं यूज आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये मिलने वाले हैं, इनका मान भी आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है कि पारा घनत्व कितना होता है, इसका मान कितना होगा, तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से बताना है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, एंड TP पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको शॉर्ट रूप में हमने प्रोवाइड कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।